गज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश में 4 साल के लिए युवाओं को फौज की कुशलता और आचरण देने वाले अग्निपथ योजना को लेकर लगातार हिंसा का माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर 42 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। जहां देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहीं इस विवाद को लेकर लखनऊ डिवीजन के चारबाग स्टेशन पर बिहार की तरफ से जाने वाली तकरीबन 42 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर देश में हर जगह, हर राज्यों में बवाल या एक आगजनी का माहौल बना हुआ है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के मुख्य स्टेशन चारबाग में हैं और यहाँ पर भी कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, यहाँ का नज़ारा दिखाएं हमारे दर्शकों को कि किस तरह से खाली पटरियां हैं, ट्रेनें केवल खड़ी हैं। यहां से रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में ट्रेनें जाती हैं, लाखों की संख्या में यात्री अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं, लेकिन बस एक बात की बात है कि जो अग्निवीर योजना है वो युवाओं को रास नहीं आ रही। कहीं ना कहीं सरकार इसमें लगातार लोगों को समझाने और बुझाने की कोशिश में लगी है। वहीं राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखों से बात कर रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। साथ ही ये भी बता दें आपको कि कहीं ना कहीं सरकार की योजना से युवाओं को फ़ायदा तो मिलेगा, साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएँ भी मिलेगी। अब देखने वाली बात ये है कि हम स्टेशन पर पहुँचे हैं, हम यहाँ के युवाओं से बात करेंगे, वो क्या सोच रखते हैं, क्या उन्हें लगता है कि अग्निपथ अग्निवीर योजना सही है या फिर गलत। अगर गलत है तो क्यों गलत है, अगर सही है तो किस तरह से वो सही है, जिससे यात्रियों को आने जाने में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस विवाद के चलते चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात रही। 4 साल में क्या होगा, उसके बाद हम बेरोजगार हो जा रहे हैं। 4 साल बाद करेंगे क्या, दा दे रही है मतलब लिखित नहीं दे रही है ना कुछ। ये गाड़ी जलाना गलत है, फिर भी लेकिन आंदोलन करना हमारा हक है, ये हमारा अधिकार, हम मांगे अपना अधिकार मांगे। नहीं, नुकसान तो नहीं हो रहा, हम देखो नुकसान नहीं कर रहे हैं, नुकसान जो कर रहे हैं उसमें कुछ गलत हैं, वो भर्ती देखने वाले नहीं हैं, कुछ बाहरी भी हैं। जो भर्ती वाले हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। हमारे अमेठी में हुआ था आंदोलन, शांति से हुआ, पूरा ख़त्म करके आंदोलन आए। ये सर पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जब यही सुविधा चार इससे पहले मिल रही थी वो सही होगी कि अब सही होगी, और भर्ती जो अग्निवीर निकली है पूरा गलत है। अगर मंत्रियों को, विधायकों को अगर मिल सकता है पूरी तरह पेंशन 5 साल के लिए, हमें 4 साल नौकरी दी जा रही है, उनसे 1 साल कम भी, तो हमें पेंशन क्यों नहीं दिया जाए। अगर ये सही है अग्निवीर तो हमें 4 साल नौकरी दे के पेंशन दे। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर उत्तर रेलवे की लखनऊ डिवीजन वरिष्ठ डीसीएम रेखा शर्मा ने भी हिंसा से होने वाले प्रभाव को बताया और युवाओं के लिए एक बेहतर संदेश भी दिया। इस एजिटेशन को ध्यान में रखते हुए अभी तक 281 ट्रेन्स, जिसमें पासिंग ट्रेन्स भी हैं जो लखनऊ डिवीजन से पास होती हैं, और ओरिजिनेटिंग 79 ट्रेन्स जो हैं हमारी वो कैंसिल की गई हैं। आज देखिए, जैसी सूचना प्राप्त हो रही है, काफ़ी हद तक जो है सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, और ECR द्वारा भी जो है बहुत सारी ट्रेनों का रिस्टोरेशन किया जा रहा है। तो ऐसी संभावना है कि ट्रेन जो ऑपरेशन है वो नॉर्मल होने की तरफ जा रहा है। फिलहाल अब देखना ये है कि अग्निपथ योजना को लेकर लगातार हो रही हिंसा के मामले में सरकार का क्या फैसला होगा। दिस रिपोर्ट प्राइम टीवी। हमारा इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। गज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।